लोग कहते हैं मैं डिफरेंट हूँ, पर वही भीड़ से अलग दिखना मेरी पहचान है। बचपन से ही मुझे ये प्रॉब्लम है जिसका नाम रिकेट्स है, पर इसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको कभी हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे परिवार ने और मेरे दोस्तों ने मेरे ज़िंदगी पर मेरा पूरा साथ दिया और मेरी बेटर हाफ ने मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर मोटिवेट किया। देखो सज्जनों, मेरे सामने अंकुश शर्मा जी बिश्नाह जम्मू एंड कश्मीर से हैं। मेरा नाम अंकुश शर्मा है और मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बिश्नाह टाउन का रहने वाला हूँ। बाय बर्थ मुझे रिकेट्स की प्रॉब्लम हुई थी। क्या थी ये बीमारी? विटामिन डी की कमी से होती है, वो बाय बर्थ ही हो गया था और उसके बाद जब मैं 2 साल का था फिर पता चला। जैसे पापा आर्मी में है तो पापा हमेशा हौसला ही बढ़ाते रहते थे और वो हौसला हमेशा ही रहा है कि जो चीज़ है ज़िंदगी में उसको फेस करना ही करना है। ऑलवेज पॉजिटिव, पापा ने पॉजिटिविटी ही मतलब भरी है। इस छोटी उम्र में अपने मन को दृढ़ करना और समझ जाना कि मुझ में एक ये कमी है, ये बड़ा मुश्किल होता है। आपने अपने आप को कैसे दृढ़ किया? जब शो स्टार्ट हुआ था तब ट्रेलर भी था, उसमें से 4 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। जी जी। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या हमारी नजरें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, मशाल सा जोश हो जिसमें वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है फिर वापस। वाह वाह, क्या बात, बहुत कमाल खेल रहे हैं आप अंकुश जी। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। एक ऐसे ही व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने इतिहास रचा है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, और अंकुश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और कौन बनेगा करोड़पति जैसे ज्ञानवर्धक शो में जाकर एक बड़ी राशि हासिल किया और 25 लाख रुपया इन्होंने KBC में जीता है। और 25 लाख रुपया बहुत कम लोग जीत पाते हैं, और अंकुश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ में जो आपकी जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता देख रही है और देश की जितनी भी जनता देख रही है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। अंकुश जी, एक ऐसे शो में कौन बनेगा करोड़पति जिसमें हर कोई जाना चाहता है, राशि जीतना चाहता है, और सबसे अहम बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जिससे भी मिलने का लोगों का सपना रहता है, आपका बिश्नाह से मुंबई तक और मुंबई से KBC के शो में किस तरह का सफ़र रहा? सर, KBC का सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा, जिससे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, और नॉट ओनली मैंने वहाँ पे धनराशि जीती, जैसे कि आपने बताया कि लोगों का सपना होता है कि सदी के महानायक अमिताभ सर के सामने बैठने का, क्योंकि जो हॉट सीट है वो आपको सिर्फ धनराशि नहीं जिताती, वो एक ऐसी सीट है जो आपको नाम, शोहरत और बहुत ही एक बुलंदियों के शिखर पर ले जाती है, क्योंकि उस सीट का मतलब, उस सीट पे बैठने का मतलब है कि आप पूरी भारत में मतलब देखे जाओगे, जाने जाओगे, पहचाने जाओगे, और आप अपनी अपना नाम तो रोशन करोगे ही, अपने परिवार का नाम भी रोशन करोगे, अपने साथ साथ आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आप उनका नाम भी रोशन करोगे। सो वो हॉट सीट सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए तो नो डाउट है ही है, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं और जो आपको बहुत कुछ मतलब एक अच्छा मुकाम पे पहुंचा देती हैं। और वही हॉट सीट का जो मेरा सफ़र था वो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। मैंने स्टार्टिंग से बहुत मतलब 20 साल से KBC चल रहा है, तब से मैं KBC देख रहा था और लास्ट 4-5 साल से बहुत ट्राई कर रहा था, और फाइनली जो इस साल मेरा वो जो सपना है, जो मतलब लाखों करोड़ों लोगों का सपना है, उसमें से मेरा भी सपना था और वो सपना मेरा पूरा हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है उसके बाद। और KBC को मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा, और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई है और मुझे उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंकुश जी, आपकी शुरुआत किस तरह से हुई? क्या आप पहली बार ही आपको कॉल आ गई, या फिर आप कई लंबे सालों से आप इंतज़ार कर रहे थे कि आप कौन बने करोड़पति में जाना चाहते हैं?
सर कॉल तो मुझे मतलब इस साल फर्स्ट टाइम मतलब आईवीआर कॉल आया था, लेकिन तैयारी जो मैं कर रहा था वो बहुत पहले से कर रहा था, और कोशिश जो प्रयास कर रहा था वो मैं 4-5 साल से कर रहा था। रजिस्ट्रेशन करता था, आंसर्स देता था, लेकिन इसी साल भी मैंने मतलब रजिस्ट्रेशन के आंसर दिए, मेरी सिस्टर ने दिए, मेरे छोटे भाई ने दिए, और फाइनली मुझे इस बार जब आईवीआर का कॉल आया, एक बार तो मैं पिक नहीं कर सका, दूसरी बार जब कॉल पिक किया तो मतलब मुझे पहले तो लगा कि शायद ये मतलब सपना है कि जो कि मुझे कॉल आ गया है। जब मैंने घर पे बताया तो घर पे भी सब बहुत ही खुश हुए। उसके बाद केबीसी की जो मतलब आईवीआर कॉल के बाद उन्होंने जीके टेस्ट रखा था, फिर वो जीके टेस्ट मेरा अच्छा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उसके स्टेप्स जो थे वो एक एक करके मैं सीढ़ियाँ चढ़ता गया, और जैसे जैसे मुझे आगे सफलता मिलती गई तो मुझे एक विश्वास सा जगा कि इस साल शायद जो मतलब मेरी मेहनत है, जो मेरी सोच है, जो मेरी ज़िंदगी का संघर्ष है, वो शायद मुझे वहाँ उस हॉट सीट तक पहुँचा के ही रहेगा, और वही हुआ। अंकुश जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन जी हमेशा अपने शो में ये बोलते हैं कि अगर आप करोड़पति बनते हैं तो आप अपनी राशि का क्या करेंगे। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आपने 25 लाख रुपये जीते हैं, इसका क्या करेंगे आप? जैसे मैंने बताया था कि जो 25 लाख मैं जीता हूँ उसमें मैं अपने मेरे पेरेंट्स ने बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है, जो भी मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। और मैंने वही बताया था कि मैं उनको एक अच्छा सा घर बना के देना चाहूँगा, और साथ ही साथ जो पैसे जीते हुए हैं उससे मैं कुछ जो भी हिस्सा है उसका वो किसी नीडी वन के लिए, किसी हेल्पिंग जिसको हेल्प चाहिए उसमें डोनेट करूँगा, ताकि उससे मुझे जो भी मतलब किसी, मैं चाहे ज़िंदगी में थोड़ा ही सही लेकिन मुझे ये फील होगा कि मैं किसी के काम तो आ सका। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत आगे तक ले जा, मेरा मानना ये है कि आपकी चीज, आपका ज़िंदगी का जो संघर्ष है, हार्डवर्क है, वो सब तो आपको आगे ले ही जाता है, लेकिन जो ज़िंदगी में आप अच्छे कार्य करते हैं, जो आप मतलब किसी की ब्लेसिंग्स गेन करते हैं, वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर सफल बनाने में सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं। और कुछ जी, जिस सीट पर आप बैठे थे उसे हॉट सीट बोला जाता है, कितनी हॉट सीट रहती है वो? वो काफ़ी मतलब उसका नाम हॉट सीट है और वो सच में हॉट सीट है, क्योंकि जो भी इंसान वहाँ पे बैठता है वो एक मतलब उसके अंदर सारी ज़िंदगी का जो उसका मतलब स्ट्रगल होता है, जो उसने सोच होती है, वो सब वहाँ पे बयां करता है। और मतलब सर के सामने बैठ के ऑब्वियसली सब नर्वस होते ही हैं, मैं भी नर्वस हो गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे यही था कि मैं जहाँ से आया हूँ और जो मेरी मतलब जहाँ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को, और मतलब जो मेरी मेहनत है, जो बचपन से मैंने की है, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया है, जो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे भाई बहन ने मेरा साथ दिया है, जो भी, वो सब मुझे यहाँ पे इस हॉट सीट पर आकर एक मौका मिला ज़िंदगी का कि मैं उस चीज़ को मतलब लोगों को दर्शा सकूँ और सबको कोई मतलब मोटिवेट कर सकूं या एक इंस्पिरेशनल फिगर टाइप हो सके, कि मतलब वहां पे बैठकर मुझे अपने आप को दर्शाना है। और जो भी मैं हूं आज ज़िंदगी में और जो भी मैंने आज तक पाया है वो मतलब मेरे पेरेंट्स की वजह से है, और उनका नाम भी ऊंचा करना है और जहां से मैं आ रहा हूं वहां की जगह को भी प्राउड फील कराना है। तो बिल्कुल, अंकुश जी का पूरा परिवार इस समय मेरे साथ मौजूद है। अंकुश जी के पिताजी, अंकुश जी की माता जी, बहन हैं उनके, उनके भाई हैं, इन सबसे भी बातचीत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपके बच्चे ने आपका नाम जो है वो इतना ज़्यादा रोशन किया है, पूरे भारत में अंकुश जी का नाम जो है वो सुना गया, कैसा लगता है जब अपने बच्चा इस बुलंदी पर पहुंचता है? सर पहले तो पहले से हमारा नाम रोशन करता रहा बचपन से, तो अभी हमें और प्राउड फील हो गया क्योंकि और ज़्यादा नाम उसने, बिश्नाह का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी उसको सुना गया है कि हाँ भाई 181 कंट्री है, उन सभी को ने देखा होगा कि भाई अंकुश कैसा खेला है, तो हमें थोड़ा प्राउड फील होता है, थोड़ा नहीं बहुत होता है। तो जैसे चांद चमकता है, सूर्य चमकते हैं, तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि अंकुश शर्मा आगे भी ऐसे ही चमकते रहें जैसे अभी चमक रहे हैं। थैंक यू सर। आपको भी मौका मिला अमिताभ जी से बातचीत करने का? हाँ सर बिल्कुल मौका मिला, जैसे भगवान से बात की ऐसे ही अमिताभ बच्चन से बात की है सर, हमने तो समझ लिया कि हमने भगवान को पा लिया है। आपने कभी सोचा था कि आपको अमिताभ जी से इस तरह से मुलाकात करने का मौका मिलेगा? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं सोचा जिंदगी में, सोचने से तो नहीं बनती बात, जो लिखा किस्मत में वही होगा। आपने भी काफी ज्यादा मूवीज देखी होंगी आपने? हाँ, मूवी तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा, इवन के मैंने भी उनकी तरह बाल रखे थे पहले। अच्छा। तो आर्मी में जाने के बाद तो फिर छोटे बाल हो गए, अभी मेरी फोटो है कि लंबे लंबे बाल होते थे। मतलब कि आप फैन रह चुके अमिताभ जी के, और आपके बच्चे ने अमिताभ जी से मिला दिया आपको? जी बच्चे ने अमिताभ बच्चन से मिला दिया, रूप रूप जैसे आप बैठे हो वैसे हम अमिताभ बच्चन जी, उधर से मैं इधर था, बात हुई। क्या बात हुई आपकी उनसे? जो भी है अच्छा है, ठीक है। आपने बताया कि मैं आपका फैन रहा हूँ इतना बड़ा? बच्चे ने बताया, मैंने बताया, सबने बताया। देखो
अमिताभ बच्चन जी के दर्शन, वो घर से निकलते हैं हाथ हिला के निकल जाते हैं, हम तो रूबरू मिले हैं, है ना। फिर उन्होंने उनका हम्बल देखा मैंने बहुत, हमारे लोगों में इतना नहीं है जितना उनमें है। अंडे जी आप भी गए थे? नहीं मैं नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी। कैसा लगा आपको, आपके बच्चे ने आपका नाम रोशन किया है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, इतनी खुशी है कि कहने की बात नहीं है। बूढ़े लोग तो मेरे को मुबारकें दे रहे हैं, गर्मी आ रही है और बहुत ऐसे वो कर रहे हैं कि हमारे कस्बे का नाम वो किया है, हमारे कस्बे का नाम रोशन किया है और बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे से ही बहुत तेज है, पढ़ने में भी तेज है और ऐसे भी थोड़ा, जब सर्विस लगी है तब भी बहुत बधाइयाँ मिली है मेरे को। अभी जो अमिताभ बच्चन से मिल के आया और उधर बैठ के देखा मैंने तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को लगा कि आपको भी जाना चाहिए? जाना था, मैंने भी तो जाना था, मेरे को भी बोला था जाने के लिए, लेकिन वो मेरे मतलब के जेठ जी पूरे हो गए थे ना, अच्छा 8 दिन हुआ था पूरे हुए, फिर मैं नहीं जा पाई, फिर अच्छा नहीं लगता ना। आपको कैसा लगा आपके भाई ने अपना नाम रोशन किया, कैसा फील आ रहा है? ऑब्वियसली ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे बिश्नाह के लिए। जब फर्स्ट डे ही बिश्नाह जम्मू एंड कश्मीर अमिताभ सर ने बोला था तो सब हमारे ये बोल रहे थे कि बिश्नाह का नाम कभी नेशनल टीवी पे कभी भी नहीं आया, तो ऑब्वियसली ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और स्पेशली जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आज तक कोई भी केबीसी में नहीं गया है, तो फर्स्ट पर्सन जो मेरे भैया गए हैं, तो ये प्राउड मोमेंट तो हमारी फैमिली के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। ऑफकोर्स मैंने भी रजिस्ट्रेशन की थी इस साल, तो मैं तो हमेशा ट्राई करती रहूँगी, क्योंकि भैया ने भी कहा था कि हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक सक्सेस हमें मिलेगी नहीं, तो मैं भी हमेशा ट्राई करती रहूँगी, कभी ना कभी मुझे भी सक्सेस मिलेगी जैसे आज भैया को मिली है। अब बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे छोटा भाई है। हाँ फ्रेंड्स के तो स्पेशली कॉल आए थे, मैंने जस्ट फर्स्ट डे जब हमें वहाँ से भैया को बोल दिया कि अब आप सबको बता सकते हो, तो सब बहुत शॉक फील कर रहे थे कि हाँ आपका भाई है, तो ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे हमारे भी तो भैया ही हैं, वो हमारे भैया गए हैं, तो सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे। और जो मेरा मुझसे बड़ा भाई और भैया से छोटा भाई है अंकुश भैया, वो भी बहुत प्राउड फील कर रहा था कि वो बोल रहा था मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे भी होना चाहिए था यहाँ पे, तो वो बाहर अभी चेन्नई में है, तो हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं भैया के लिए। बहुत शुक्रिया, खुद के भाई से करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे। कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। अच्छा दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ने नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल सर, हर कोई यही पूछता है। हम अभी कल बैठे हुए थे तो एक छोटी सी गुड़िया मोहल्ले से आई हुई थी चॉकलेट लिख के भैया के लिए, तो मैंने बोला यही सबसे बड़ी मोमेंट है हमारे लिए कि एक छोटा सा बच्चे के लिए भी आप इंस्पिरेशन बन गए हो आज के लिए, और बिश्नाह के लिए मिसाल बन गए हो, और एरिया में एक आपने नया मतलब बेंचमार्क सेट किया है कि जो लोग देख रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसी चीज़ें भी हैं। बिल्कुल अंकुर जी, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, बहुत सारी फेक कॉल भी आती हैं, हम देखते हैं कि फेक कॉल आती है, वो पैसों की डिमांड करते हैं, आपको कैसे लगा कि ये फेक कॉल है या रियल कॉल है? आप तो जहाँ से नहीं आए। एक्चुअली मैं केबीसी के लिए जब 4-5 साल से ट्राई कर रहा था, तो मैंने इसके बारे में सोनी लिव ऐप के ऊपर बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, उनकी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी और उस पर पूरा प्रोसीजर आपको समझाया गया है, और उसमें ये भी बताया गया कि जो फर्स्ट कॉल आपको आती है, जो कितने करोड़ ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें फ्यू लैक्स को कॉल आती है फर्स्ट, वो एक IVR कॉल होती है, वो सिस्टम जनरेटेड कॉल होती है, उसमें कोई मैनुअल कॉल नहीं आती है, कोई पर्सन आपको बोलता नहीं है, वो एक सिस्टम बात करता है और आपको कंग्रेचुलेट करता है और नेक्स्ट राउंड के लिए बताता है कि आपको नेक्स्ट एक और IVR कॉल आएगी जिसपे 3 questions पूछे जाएंगे। लेकिन जो फ्रॉड्स कॉल होती हैं वो स्टार्टिंग से ही मैनुअल कॉल होती हैं, एक इंसान आपको कॉल करता है और उसके बाद पैसों की मांग करता है, जबकि KBC में पैसों की कोई मांग की ही नहीं जाती, और पहली 2 calls में तो आपके इवन डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पूछे जाते कि आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए या कुछ कीजिए, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा, उसके बाद आपको एक और IVR कॉल पे क्वेश्चंस 3 पूछे जाएंगे। तो अगर वहाँ से आपका प्रोसीजर शुरू होता है तो वो आपके ओरिजिनल KBC की ही कॉल है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को जो फेक कॉल आती है वो बिना कुछ किए आती है, ना उन्होंने कोई मैसेज का आंसर दिया है, ना किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, ना उन्होंने कुछ भी किया है, तो उनको जो कॉल इन रिटर्न आती है बिना कुछ किए तो वो फेक होती है। लेकिन अगर किसी ने सोनी लिव ऐप पे मई के मंथ में या अप्रैल में जो भी सोनी पे क्वेश्चन आते हैं सोनी चैनल पे वो आंसर दिए हैं, तो अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा है तो उसको जो IVR कॉल आएगी वो ओरिजिनल होगी। मतलब कि कोई पैसों की डिमांड नहीं की जाती? कोई पैसों की डिमांड नहीं की जाती, कोई डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं की जाती। आप अगर 3 राउंड क्लियर करते हैं, तो इस बार तो कोविड की वजह से ये सब ऑनलाइन हुआ, लेकिन 3 राउंड क्लियर करने के बाद आपको नॉर्थ बेस के लिए दिल्ली में जाना पड़ता है, वहाँ पे बाकी के सारे राउंड होते हैं, तो उसमें तब तक आपको एक भी डॉक्यूमेंट भी नहीं मंगाया जाता, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं मांग की जाती, और वो आपके लिए फिर ओरिजिनल ही होता है। अंकुर जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा, जब आपसे 25 लाख रुपए का जब सवाल किया गया, एक तो अमिताभ बच्चन आपसे सवाल पूछ रहे हैं और दूसरा 25 लाख रुपए का सवाल, तो क्या माइंड पे क्या रहता है उस समय, कितना कंफ्यूजन रहती है?
जब मुझे 25 लाख का क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे पास 3 लाइफलाइंस थी। अच्छा। और मैंने अमिताभ सर ने मुझे ये बोला कि बहुत देर हो गई मुझे ये गेम करते हुए, लेकिन इस स्तर पे आकर इस लेवल का गेम आज तक बहुत ही कम होता है। तो वो मेरे लिए एक सबसे जिंदगी का एक प्राउड मोमेंट था कि मैंने चलो जो भी पढ़ा था जो भी कोशिश की थी वो काम आई। और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे जो फोन ऑफ फ्रेंड थे वो एक आईएएस सर थे, उनसे आंसर नहीं मतलब हो पाया। फिर मैंने एक्सपर्ट एडवाइस जो थी वो काम आई और जब मैं 25 लाख जीता फिर मैंने 50 लाख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, लेकिन वो भी मतलब मैंने क्विट कर दिया इस डर से कि कहीं गलत ना हो जाए। तो अगर गलत हो जाएगा तो पैसों का तो नो डाउट लॉस होगा ही होगा, लेकिन जो मैंने हार्डवर्क किया होगा वो भी एक वेन में चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। दाओ मेरा क्वेश्चन का जो आंसर था 50 लाख का वो भी सही था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पैसे मैटर नहीं करते, यहाँ पे जो पहुँचा हूँ इतने पैसे जीते और नाम जो भी कमाया है उसको कहीं मैं ना हार जाऊँ, इसलिए मैंने क्विट किया। और मुझे तो अपनी गेम से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जो केबीसी देख रहे हैं वो सबको पता है कि केबीसी में 25 लाख अमाउंट जो होता है वो बहुत कम लोग जीते हैं। सो जो भी मैंने गेम खेला और सर से इतनी तारीफ सुनी इस लेवल तक इतना अच्छा खेला, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं क्या, मेरे साथ जितने भी लोगों की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने भी मेरे इस केबीसी के सफ़र मेरा साथ दिया है, जो केबीसी ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब भी मेरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, यही मेरे लिए अच्छी जीत है। एक छोटा सा आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू से छोटे शहर से बहुत कम लोग जो हैं इस शो में जा पाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, बीमार होते हैं, तो अपनी हार मान जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाता, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जो कहते हैं कि विनर्स नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन, मतलब कि कोशिश करती रहनी चाहिए, कभी भी किसी चीज़ में क्विट नहीं करना चाहिए। अगर आप क्विट कर देंगे तो पहले ही हार जाएंगे, और अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपकी जीत ज़रूर होगी। तो मैं उनके लिए भी ये मैसेज दूंगा कि माना कि अभी हार्ड टाइम चल रहा है, माना कि अभी थोड़ी मुश्किलें हैं ज़िंदगी में, उस मुश्किलों को फेस करके आगे बढ़ना और ज़िंदगी से ये सब चीज़ें सीखना, यही असली ज़िंदगी है। और आपको कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि वही कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश हमसे बातचीत करने के लिए, आपके पूरी परिवार को फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अंकुश शर्मा जी थे जिनसे हमने बातचीत की, और अंकुश शर्मा जी ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिश्ना का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो उनका साफ ये संदेश है कि जो जीतना चाहते हैं वो अपने हौसले बुलंद रखें, जीत हासिल ज़रूर होगी। और ये बात आपको मैं साफ करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को फेक कॉल आती है केबीसी से, वो किसी भी तरह की पैसे की अगर डिमांड करें तो आप कभी भी उनके अकाउंट में पैसे ना डालें। केबीसी किसी भी तरह के पैसों की डिमांड नहीं करता, और अंकुश जी ने भी ये साफ किया है कि केबीसी से किसी भी तरह की कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जाती। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू से और भी अंकुश शर्मा जी जैसे और भी लोग केबीसी में जाएं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। बने रहें द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।